सूर्य, हमरा लोग मरे नहीं शहीद हुए, हम आखिरी सांस तक तोरे साथ है। ये लड़ाई मेरी है, आपका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ूंगा। इस राज्य का राजकुमार हूं मैं। आज से जो भी करना है वो मैं करूंगा। जाइए आप सब लोग। सुनिए मिस्टर राजकुमार, क्या हाल हैं? लगता है मजे में कट रही है। अब हमारे महल में क्या लेने आए हो? शांत शांत, सब शांत हो जाओ, शांत। मैं यहाँ एक कमाल की बात बताने आया हूँ। ये आदमी जिसे तुम अपना राजकुमार समझ रहे हो, दिल्ली की सड़कों का एक अनाथ है। इस घर के बड़े लोग इसे गोद लेकर यहाँ लाए हैं। ये देखो फोटोज। अपने खुद के बेटे को भी कभी कोई गोद लेता है क्या? अब बोल, तू वाकई यहाँ का राजकुमार है? बोल साले। ए, हाथ हटाओ, छोड़ो इन्हें। मेरी कसम खाकर कहो कि ये झूठ बोल रहा है, तुम ही मेरे सगे भाई हो। मैडम, अब तो इसका गिरवान पकड़ लूं। चल साला। तू असली राजकुमार नहीं है तो जरूर तूने उसे मार दिया होगा। बोल क्या किया तूने उसका? पता जल्दी पता है कि नहीं? बेटे को मारा है। 25 साल पहले जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ था। ये उसे कैसे मार सकता है? हमने अपने सभी लोगों से बोल दिया था कि हमारा बेटा जिंदा है, 25 साल बाद वो आएगा। हम तो उसी दिन मर गए जिस दिन हमें मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था, फिर जिस दिन हमारे शत्रु ने भीख में हमें जीवन दान दिया था। 25 बरस बाद तेरा बेटवा हमसे लड़ने के लिए आएगा, यही बोल रहा था ना तू? मैं उसे मारूंगा तेरे सामने और तू उसका क्रियाकर्म करेगा। तब तक ना तो हम तुझे मारेंगे और ना ही खुद को मरने देंगे। अगर तूने खुद को मारने का सोचा ना तो तेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। निकल! आप सब लोग यहाँ बाहर हर बरस हमारे बेटे का जन्मदिन मनाते रहे और हम वहां अंदर हर बरस उसका श्राद्ध मनाते रहे। हमने ये सोचकर आप सबसे झूठ बोला था कि एक दिन ईश्वर कोई मसीहा भेजेगा। भगवान ने इसे भेज दिया।
खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता, प्रजा का रक्षक ही सच्चा राजकुमार होता है। कौन कहता है ये तुम्हारा खून नहीं है? दामाद जी, यही तुम्हारा बेटा है। एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखना। तुम बिल्कुल चिंता ना करो बेटी, देखना तुम्हें बेटा ही होगा। नहीं बाबा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। इस लड़ाई ने हमें सिर्फ दो चीजें दी है, आंसू और दुख। अगर हमने बेटी को जन्म दिया तो वो राक्षस उसे भी नहीं छोड़ेगा। अब हम और दुख नहीं सह सकते। बेटी होगी तो हम उसे देखकर जी तो पाएंगे। हमारे इस क्षेत्र के लोगों को ऐसा राजकुमार चाहिए था जिसे दुश्मन ना मार सके, बल्कि जो दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जो मरने मारने में विश्वास ना करे बल्कि जियो और जीने दो में विश्वास करे। यहाँ का हर लड़का सिर्फ दो ही चीज सीखता है, मारो और मरो। जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा जीवन क्या होता है, भूख क्या होती है, कठिन परिश्रम क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, एक परिवार क्या होता है, दुख क्या होता है, जीवन का असली मूल्य क्या होता है, ये मूल्य सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। शाही खून जब अनाथों जैसे पलता है तो वो संघर्ष की आग में तप के कुंदन बन जाता है। जिस लड़के को चांदी के प्लेट में खाना मिलना चाहिए था वो पत्थरों में खाना खाता रहा। जिस बच्चे को रेशमी बिस्तर में चैन से सोना चाहिए था वो फुटपाथ पर सोता रहा। ये सब देख कर हम खून के आंसू रोते रहे। आम आदमी भी जीवन में इतनी मुश्किल नहीं झेलता। तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली बलवान बनाने के लिए हमने ये सब किया, पर हमने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस लड़की को जानते हो ना तुम, इसको भी हमने भेजा था। हमें माफ कर देना बेटा, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। चलो तुमने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया, इन लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे को मार दिया और तुम खुद रोज दिल दिल मरती भी रही। तेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। ये इतिहास 70 साल पुराना है, इसे बदल डालो। 25 साल तक हम सब लोगों ने इसका इंतजार किया है। इस गांव के हर इंसान ने जिसने अपना बेटा खोया है इस दिन का इंतजार किया है। ऐसा काम करना बेटा कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ ना जाए। हाँ चंचल के सर
के लोगों के सामने ही उसका सिर काट के लाना। सूर्यवंश का कोई भी आदमी चिंता नहीं बचना चाहिए। सूर्यवंशियों का नामो निशान मिटा दो। आज सूर्यवंशियों के खून से होली खेलनी है तुम सबको।